सब क्या है? पकड़ो। What happened to her? इसे हुआ क्या? सर वो पेड़ से फल मैंने खिला दिया। सर, इस जंगल में वो पेड़ था जिसपे जहरीले फल थे। Orderly, first aid, quick! काफी नुकसान पहुंचाया है और आज जो आपने किया है वो अटेम्प्ट टू मर्डर से कम नहीं है। कैरी ऑन विद योर ड्यूल कैप्टन। गॉड, आपकी टीम लास्ट है। टुमारो मॉर्निंग यू हैव टू गिव मी 8 rounds. We'll be reporting to Major General Gaur. आपको कुछ explanations देने होंगे। मैम आप गौर साहब को क्यों include कर रही हैं? मामला बढ़ जाएगा, ये मामला हम solve कर सकते हैं। एक कैरेट के शरीर में जहर पहुंचा है कैप्टन चौहान। Poison, do you understand? किसी को तो सजा मिलेगी ही। I understand, ma'am. पर ये एक गलती है, it's a mistake. It's an accident. इसने जानबूझ के नहीं किया है। हमने antidote दे दिया। It should be fine. ये excuses मुझे आपसे नहीं सुनने हैं, कैप्टन जॉन। ये reasons मेरे जनरल गॉड शायद इस कैरेक्टर से डायरेक्टली सुनना चाहें। बॉनफायर के पास खड़े थे कैप्टन रंधावा, कितने कूल लग रहे थे ना। हेलो, अब तो मुझे खुशी हो रही है कि हम लोग ड्रिल नहीं जीते, वरना पूरा दिन कैप्टन रंधावा के शॉट सुना सुना के तो मुझे पागल कर देती। गुंजाइश है? हाँ? नहीं, तुम्हें और पागल होने की गुंजाइश है? आप क्या करती हैं तो आप जानो। हम तो अपनी पुरानी दोस्त के साथ पूरा दिन बिताने वाले हैं। कौन है वो दोस्त? बहुत सोएंगे भैया हम तो। अरे आओ। What's up, dude? Dude, rude. Mr. Rummy, ये
फ्लॉप फिल्म के कड़के प्रोड्यूसर जैसी शक्ल क्यों बना रखी? यार ये तो बस सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन कॉल है, राइट? तुम लोग जानते नहीं मेरे डैड को। मेरी क्लास लेने का तो उन्हें बस बहाना चाहिए। हिटलर का अवतार है वो। वो जितने भी स्ट्रिक्ट हो, आखिर में तो है तुम्हारे डैड ही ना। विद्या को नहीं लगता कि वो कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे। राइट। और अब तो मैं भी ठीक हूँ, हाँ? थैंक गॉड तुम ठीक हो। आई होप तुमने मुझे माफ कर दिया क्वीन ऑफ आर्ट्स। पता नहीं क्यों मेरी वजह से तुम बार बार इन्फर्मरी चली जाती हो। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। वो जहरीला फ्रूट तो मैंने खाया था, तुमने जबरदस्ती थोड़ी की थी। राइट। और ये बात मेजर जनरल भी समझेंगे। तुम कहो तो मैं चलूं तुम्हारे साथ? मैं सच कह रही हूँ। नो क्वीन ऑफ हार्ट्स, मैं एक सोल्जर बनने आया हूँ। मुश्किलों का सामना मुझे खुद करना होगा। तीन आसान के लाइक अ मैन। फंस गई। व्हाट? दांत में लकड़ी फंस गई। ओह, ब्रेड में लकड़ी? आपका स्वागत है रतन कुमार। KMA में आपकी पोस्टिंग बतौर सिक्योरिटी ऑफिसर की गई है। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी मेहनत, लगन और वफादारी से निभाएंगे। थैंक यू सर। आपको या किसी भी ऑफिसर को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। गुड। और ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर, ऑर्डरली रघुराम। थैंक यू। ये कुछ अच्छा नहीं हुआ। क्यों सर, इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता था। अब हम 24 घंटे पूर्वी बिश पर नजर रख सकते हैं। इडियट, मेरा मतलब इस यूनिफॉर्म से है। हाँ? मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। हाँ? और मुझे आधी बैंड मिल गया और तुम्हें पतलू। वक्त वक्त की बात है सर, कभी दिन है तो कभी रात है सर। बेवकूफ, इस वक्त भी तुम्हें शेरो शायरी सूझ रही है। सर अगर इस वक्त मैं आपको कोई चुटकुला सुनाऊं तो आपको तो अच्छा नहीं लगेगा ना। वो बंद, कान खुले रखो और नजरें केवल कैडेट पूरी बिश पर। कहाँ है? कौन सर? कैडेट पूर्वी बिश्ट। पूर्वी बिश्ट सर, ढूंढ लेंगे सर। पूर्वी? ओह माय गॉड, पूर्वी बिश्ट। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं एक सुपर मॉडल की क्लास में हूँ। वन मिनट। प्लीज प्लीज साइन दिस। कैडेट पूर्वी बिश्ट। अब तो मैं सुपर मॉडल नहीं रही, फिर ऑटोग्राफ किस बात का? प्लीज डोंट से दैट। एक्चुअली मेरी छोटी बहन आपकी बहुत बड़ी फैन है, अगर वो ही ऑटोग्राफ देखेगी तो बहुत खुश होगी। प्लीज। देख नहीं रही थी ना। नहीं आप ऐसी चला करो, कोई बात। What? मैं आपको दिखाई नहीं दिया? सुबह से पनिशमेंट के एट राउंड्स तो मार चुकी हो, फिर क्यों खुद को थका रहे हो? थका नहीं रहा हूँ, मजबूत बना रहा हूँ खुद को। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, I'm telling you। परेशान तो मैं होऊंगा ही, मैं लकी चाम जो नहीं है मेरे साथ। What lucky charm? लकी चाम मेरा पैक ऑफ कार्ड्स। अब देखो, केम में एंट्री लेते ही कैप्टन रंधावा ने मेरा पैक ऑफ कार्ड्स ले लिया और मुझसे कहा मेजर शर्मा से वापस लेना। पैक ऑफ कार्ड्स तो वापस मिला नहीं, और मेरे साथ देखो बुरा ही बुरा होता जा रहा है। इतना लकी मानते हो कार्ड्स को? सिर्फ लकी नहीं मानता, वो कार्ड्स मुझे बहुत कुछ देते हैं, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस। शायद मैं तुम्हें समझा ही नहीं पाऊंगा। शायद मैं समझ गई। जब तक मुझे वो पैक ऑफ कार्ड्स नहीं मिल जाते ना, मैं ऐसी परेशानियों में पड़ता रहूंगा।
और क्योंकि तुम मेरे साथ हो, तुम्हारे साथ भी ऐसे होता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। नहीं क्वीन ऑफ हार्ट्स, इससे पहले कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, मैं चाहता हूँ कि ये एकेडमी वाले मुझे बाहर ही निकाल दें। लेकिन इस किंग ऑफ आर्ट्स को भूलना मत। अलविदा। गौर साहब ने बताया क्या डिसीजन ले रहे हैं? नथिंग टिल नाउ। आई थिंक मेजर जनरल गौर कोई सख्त सजा देंगे कैडेट रमी को। हमें तो लगता है कि इतनी सी बात के लिए सजा होनी ही नहीं चाहिए। ये डिसीजन अगर आप मेजर जनरल पर छोड़ दें तो बेहतर होगा। लेकिन मेजर, आपको नहीं लगता कि ये डिसीजन लेना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा? आफ्टर ऑल वो उनका इकलौता बेटा है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है, मेजर जनरल गौर एक बहुत ही कमिटेड और सिंसियर ऑफिसर है, डिसिप्लिन्ड ऑफिसर है। उनके लिए कैडेट रमी गौर सिर्फ एक कैडेट है, उनका बेटा नहीं। मेजर जनरल गौर चाहते हैं कि कैडेट गौर के एक्सप्रेशन कॉल के समय कैप्टन गुणराज रंधावा वहां प्रेजेंट रहे। आर यू श्योर उन्होंने सिर्फ कैप्टन रंधावा को वहां प्रेजेंट रहने के लिए कहा है? यस मेजर। उनसे कहिए हेल्प देयर। यस। आई एम श्योर मुझे मीटिंग में ना बुलाने की मेजर जनरल गौर के पास कोई ठोस वजह। हो सकता है उनको लगता हो कि आपके वहाँ रहने से उनका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाए। आफ्टर ऑल कैप्टन रंधावा उस ड्रिल को कंडक्ट कर रहे थे, इनकी राय की अहमियत ज़्यादा है। कर रही हो तुम? इमरजेंसी है, तुम्हारी मदद चाहिए। किस लिए? What? I mean, किस लिए? रमी का पैक ऑफ कार्ड्स लाना है मेजर शर्मा के रूम से। सी, हम उनके रूम में जाएंगे, रमी के पैक ऑफ कार्ड्स लेंगे और ये आइडेंटिकल पैक ऑफ कार्ड्स उनके रूम में रखेंगे। लगता है तुम्हारा दिमाग आउट ऑफ ट्यून हो गया। उस पॉइजनस फूड को खाने से शायद लोग पागल हो जाते हैं। I mean, day time, मेजर शर्मा के केबिन में। Wonderful, oh God. और ये सब किसके लिए? रमी के लिए। वो तुम्हारा रूममेट है, क्लासमेट है, तुम उसके लिए इतना नहीं कर सकते? I would love to, but I don't want to. You know why? क्योंकि मुझे इस अकादमी में भी रहना है। Please, Peter, do this for me. Please. No. No, Neo. Peter! No. Peter! 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 वैसे सुनने में आया है कि मेजर शर्मा कल कोई रेडियो सुन रही थी। ऐसा भी सुना ही है। जरूरी थोड़ी कि सच्ची हो, है ना? क्या रेडियो? कहीं उन्हें वो वर्डी कॉल वाले काल कोड फ्री के मातो नहीं मिला? पता नहीं। Anyway, मैं चलती हूँ, okay? वैसे सोचा था कि रमी के कांच के साथ साथ तुम्हारे रेडियो को भी ले आऊंगी वहां से। But anyway, I'll see you later. Bye. Wait. वैसे मुझे भी लगता है हमें रमी की हेल्प करनी चाहिए। I mean, team spirit. Right. My roommate. Exactly. फिर? चलो फिर. चले? Let's go. सर, अब तो हम केएमए के कर्मचारी हैं, तो मेजर शर्मा को जाके बता दें ये लोग क्या करने वाले हैं। अरे जरा कभी दिमाग से भी सोचा। वो जितने नियम तोड़ेगी उतना ही आसान होगा हमें उसे तोड़ना। अब तो बस दुआ करो वो जो करने जा रही है उसमें कामयाब हो जाए।
सर। मार्केट में था। Really? कंपनी ने ऐसा क्लेम किया था कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी चाबी से खुल सकता है। What? 1994 में एक और कंपनी ने ऐसा ही लॉक बनाया। With similar keys. Okay. अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मॉडल 93 का है या 1994 का है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.